10th class students. I know that you have done very well in your PT1 examination and also enjoyed your vacation. So again, after a long time, we are meeting again. So you all know that we have completed our chapter number 3. This is our chapter number 3, metals and non-metals. We have completed this chapter and also is NCERT exercise. Okay, so if you have any query up to that point, then you can ask me. Today we are going to discuss some of the other questions of this chapter also. These are mainly, today we are going to discuss only 1-mark questions, short type answer questions only. Okay, so let us start. First of all, the question that I have ticked, that you have to do only that. Jis par bhi tick kiya hua, you have to do only that question. Baki aapko nahi karna, because the other questions belongs to the topic that is already deleted from our syllabus. Okay, so let us start. First question is define a metal. So I hope there is no problem in defining a metal. Metal are the elements which have tendency to lose their electron. That is known as metal. उसके बाद आप इसकी एक दो characteristic properties भी लिख सकते हो, but basic definition is this: metals are the element which are having tendency to lose their electron. Next है water, amphoteric oxides. Oxides which react with base as well as acid, it means they will show dual character, they will show acidic as well as basic behavior. Example आप दे सकते हो उसमें aluminium oxide, zinc oxide का. Next question is metal displaces hydrogen from dilute acid whereas non-metal does not. Give reason. Question is metal displaces hydrogen from dilute acid whereas non-metal do not. You have to give reason for that. तो basically इसका reason क्या था, आपको पता है, you know it very well कि आपका जो कोई भी acid होता है उसमें acid में H plus form में present होता है acid जो होता है आपका, और वो H plus किस में convert होता है, H2 gas में. When it is replaced by, suppose करो मैं zinc की reaction रख रही हूँ, zinc plus HCl, okay, तो it will produce ZnCl2 प्लस H2. तो आपको पता है आपका यहाँ H प्लस आयन की फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में होता है H प्लस आयन, और ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, इट मींस H प्लस, आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था, कि H प्लस को H2 में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऑब्वियस ही बात है, ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन ऐसे होती है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, H एटम. उसके अलावा दूसरा H प्लस होगा, और भी H प्लस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो H एटम. उसके बाद ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे. ओके, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया H बना, बट H फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2. ठीक है, इट मीन्स मेटल क्या करते हैं, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन. मेटल की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, दैट्स व्हाई मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू एंड प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन टू H प्लस टू कन्वर्ट इट इनटू H2. दोबारा से सुनिए, फॉर लिबरेटिंग H2 गैस और फॉर डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेस क्यों करता है कोई भी एलिमेंट H को, बिकॉज दैट एलिमेंट और दैट मेटल प्रोवाइड्स इज इलेक्ट्रॉन टू H प्लस टू कन्वर्ट्स टू H2. बट आपको पता है जो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन. उनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए. जब नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स दे विल, इट विल नॉट पॉसिबल दैट H प्लस कन्वर्ट्स टू H2. सिंपल रीजन है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दे कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन. सो H प्लस विल नॉट कन्वर्ट्स टू H2. सो हम कह सकते हैं नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस H प्लस. नेक्स्ट, व्हाई कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. मेटल है बट फिर भी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है, इस वजह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, why does the blue color of copper sulfate solution fades away when a rod of zinc metal is dipped into it. आपको बताना है जो जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर फेड हो जाता है जब आप जिंक मेटल की रॉड उसमें डिप करते हो. तो इट इज़ रिलेटेड टू द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ये आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं. नेक्स्ट, what would happen if a silver spoon is placed in a concentrated solution of copper sulfate. तब आप देखिए, इसमें आपका एक सिल्वर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक बीकर में मैंने लिया है. मैं पहला नहीं बताया, मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, कॉपर सल्फेट. ठीक है, इसमें आप डालोगे एक सिल्वर स्पून. ठीक है, क्या डाल रहे हैं, इसमें एक सिल्वर स्पून आपने डाली है. ठीक है, दिस इज स्पून, दिस इज ऑफ सिल्वर कलर. आपको बताना है क्या होगा.
कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, ए जी प्लस सी यू एस ओ फोर। एज यू ऑल नो दैट सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, तो नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन, कॉपर कॉइन इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर कॉइन रखा है, व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पर होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें आपने कॉपर का कॉइन डाला है, दिस इज कॉपर कॉइन, ठीक है। इट मीन्स रिएक्शन होगी ये वाली, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है रिएक्शन होगी या नहीं, इसके लिए आपको इंडिविजुअल मेटल को देखना होता है, दैट दिस मेटल शुड बी रिएक्टिव टू द अदर मेटल विच इज़ इन्वॉल्व इन द कंपाउंड। मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उस सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी दूसरे मेटल से कम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो रिएक्शन तो होगी। रिएक्शन क्या होगी, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस सिल्वर बनेगा, इतना आपको पता है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप इसमें देखिए, आपको बनेगा क्या, इसमें बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। भाई क्या बनना है आपका, आपका बनना है कॉपर नाइट्रेट, फॉर्मूला आप लोग खुद बनाएंगे, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा, ठीक है। अब इससे पूछा सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, तो जो भी कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं, कॉपर अकेला कलर अलग होता है, बट कॉपर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दैट विल बी ब्लू इन कलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। और उसके बाद आपसे पूछा है कि कॉइन का क्या होगा, तो कॉइन का क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ये जो कॉइन है आपका, जब आप इसे डिप करोगे, तो एज वी नो दैट रिएक्शन इज बिकम कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जैसे जैसे कॉपर इसके साथ रिएक्ट करता जा रहा है टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट और एंड सिल्वर, तो वो जो सिल्वर का शाइनी ग्रे कलर है वो इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होते हुए मिलेगा। मतलब ये रिएक्ट कर रहा है, तो जो सिल्वर आपका मिल रहा है आपको, वो कॉइन के ऊपर डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। तो यही आपको बताना है, व्हाट विल हैपन टू द कॉइन। तो आज सिल्वर, और आप ग्रे कलर बोल सकते हो, ग्रे सरफेस, ग्रे सिल्वर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द कॉइन एंड कलर द सॉल्यूशन बिकम ब्लू, ठीक है। उसके बाद नेम एनी थ्री न्यूट्रल ऑक्साइड, आपको तीन न्यूट्रल ऑक्साइड बताने हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व करने पर ना एसिड दे ना बेस दे, दैट इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आप खुद से लिख सकते हो बाकी एग्जाम्पल। नेम द मेटल विच आर हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, एक ऐसा मेटल जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं आपको बता दूँ, ओस्मियम एंड इरिडियम, आप सर्च भी कर सकते हैं ओस्मियम। ऑल द इस क्वेश्चन से हमारा इतना रिलेशन नहीं होगा इस चैप्टर में, यहाँ पर 12th 10th में, बट स्टिल यू नो अबाउट इट। हाईएस्ट डेंसिटी होती है ओस्मियम एंड इरिडियम की, ठीक है। नेक्स्ट आयन डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एन आयन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, आपको पता है नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, 11 है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये तो मैं बता दूँ, देख के मुझे याद है सोडियम है, और ये 17 है एटॉमिक नंबर, तो मुझे पता है B17 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का, तो क्लोरीन विल बी अ नॉन मेटल। और आप पहचानोगे कैसे, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते थे। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हमें नहीं करने हैं, बिकॉज ये रिफाइनिंग के हैं, मतलब मेटलर्जी प्रोसेस के हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिव आयरन से ज़्यादा होती है। येट देयर इज़ अ लेस कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन बोथ आर एक्सपोज टू एयर, ठीक है। ये क्वेश्चन कोरोजन का है, कोरोजन इस चैप्टर में से काटे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ऑब्वियस ही बात है, जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है वो जल्दी होना चाहिए, लेकिन कम होता है। उसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर इट, ड्यू टू विच इट विल नॉट गेट कोरोज ईजिली। एक ऊपर वाली लेयर जो भी होगी एल्यूमिनियम की, जो सर्फेस होगी, इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप कितना भी कोशिश करो, अंदर का जो सरफेस है वो ईजिली कोरोड नहीं होगा। नेक्स्ट, वाई डज अ ग्रीनिश लेयर अपर अपियर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स इफ दे आर नॉट क्लीन फॉर अ फ्यू डेज। तो कॉपर यूटेंसिल्स पे ग्रीन कलर की पियर लेयर क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर का कोरोजन होता है, इट विल फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर आ जाता है। नेक्स्ट,
वाई आर गोल्ड एंड प्लैटिनम यूज टू मेक ज्वेलरी, बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर, बहुत इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई. नेम द मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नो नीड टू टेल यू. वाई स्कूल बेल्स मेड ऑफ मेटल्स, आपको बता दो स्कूल बेल्स में बहुत ज़्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप समझ सकते हो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं. नेम टू मेटल्स हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, नो नीड टू टेल यू. नेम टू मेटल विच अकर एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट इफ़ वी कीप देम इन ऑन आवर पाम. दो ऐसे मेटल जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अब जैसे आप उसे अपने पाम पर रखते हो दे विल मेल्ट. तो सीजियम एंड गैलियम दो हो गए आपके. नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट टेक्स फॉर्म ऑक्साइड विच टर्न्स रेड लिटमस ग्लू. अब रेड लिटमस ग्लू में टर्न हो रहा है तो वो कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, है ना. ऑक्स जो कंपाउंड रेड को ब्लू में चेंज करते, दैट इज़ अ बेस. और आपका एक्स एक एलिमेंट था जिसने ऑक्साइड फॉर्म किया, वो ऑक्साइड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना है, मतलब दिस ऑक्साइड इज़ अ बेसिक एंड एक्स शुड बी अ मेटल. मैं आगे पढ़ा भी नहीं, मैं मुझे जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती थी मैंने अपना सारा रिलेशन लगा लिया, दैट ऑक्साइड है वो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, मतलब दैट ऑक्साइड शुड बी बेसिक इन नेचर. तो एक्स बेसिक ऑक्साइड किसके बनते हैं, मेटल के, तो एक्स शुड बी मेटल. चलो आगे क्वेश्चन देख लें. पहले आइडेंटिफाई वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपको रीजन देना है पूरा जैसे मैंने बोला है. ओके, नेक्स्ट, नेम द मेटल विच बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. मैग्नीशियम, देखा भी एक्सपेरिमेंट, अ मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर फॉर्म अ ब्लैक ऑक्साइड नेम एक्स. कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक. नेम, व्हाट नेम इज गिवन टू ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. एसिड के साथ भी प्रेस रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो आप रिएक्शन देख लीजिए, जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करते थे तो AlCl3 प्लस वाटर बनता था, मीन सॉल्ट एंड वाटर. तो ऐसे ऑक्साइड्स का नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस. उसके बाद नेम टू मेटल ऑक्साइड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो सोल्यूबल हो वाटर में, वैसे दो मेटल ऑक्साइड्स आपको बताने हैं, तो आप बता सकते हो मेटल्स के होंगे, ठीक है, जैसे आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं. नेक्स्ट आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. तो क्वेश्चन इज, नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. बता दूँ आपको, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दे विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. और रिएक्ट करने लगे तो गोल्ड की ज्वेलरी या प्लैटिनम की ज्वेलरी नहीं पहनी जाएगी. ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो आपको पता है सोडियम तो बहुत ही बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर. तो ये हो गया सोडियम मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सोडियम की, देन मैग्नीशियम, देन कॉपर. नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, लिख सकते हैं आप मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर. नेम टू मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये रिएक्शंस में आप ढूंढ के लिखेंगे कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. विच विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, विच विल रिएक्ट विद स्टीम. नेक्स्ट, नेम टू मेटल विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ऑल्दो एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, बट दो मेटल मैंने आपको बताए हैं दैट ऑन रिएक्टिंग विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है. नेक्स्ट, आउट ऑफ एक्स एंड वाई इफ वाई डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम इट सॉल्व विच वन इज मोर रिएक्टिव. तो इसने तो खुद ही बता दिया वाई एक्स को डिस्प्लेस कर रहा है सॉल्व से, तो वाई विल बी मोर रिएक्टिव. नेक्स्ट, X displays Y from its oxide, ठीक है. On the other hand, Z displays Y from its sulfate, while X displays, आगे क्वेश्चन देख ले से, X displays Z from its nitrate. Arrange the metals in the decreasing order of reactivity. तो आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको इस तरीके से लिखना है कि आपका जो X plus Y oxide है, ठीक है, वहाँ से क्या कर रहा है, X ने आपके Y को डिस्प्लेस कर दिया. एक्स डिस्प्लेस वाई फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. उसके बाद जेड को आ रहा है, जेड डिस्प्लेस वाई फ्रॉम इट्स सल्फेट. और नेक्स्ट आपका क्या है, वाई एक्स डिस्प्लेस जेड फ्रॉम इट्स नाइट्रेट, ठीक है. ये देखिए मैंने ये तीन चीज़ें लिख ली फटाफट यहाँ से आपको समझाने के लिए. X displays Y from its oxide means S की reactivity Y से ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिख दूँ X is more reactive than Y,
जेड डिसप्लेस वाई फ्रॉम इट सरफेस, इट मीन जेड की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा, वाई से ज़्यादा. एक्स डिसप्लेस जेड फ्रॉम नाइट्रेट, जेड फ्रॉम इट्स नाइट्रेट, इट मीन्स एक्स की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा, जेड से ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो गई भाई, एक्स की वाई से कम है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एक्स की, फिर आपकी किसकी हो गई, जेड ने डिसप्लेस किया वाई को जेड की, और फिर किसकी हो गई, वाई की. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आपको बस सोचना है थोड़ा सा. नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई विद एटॉमिक नंबर 16 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, टू एलिमेंट्स आर देयर एक्स एंड वाई एंड देयर एटॉमिक नंबर इज, क्या दिया हुआ है आपको, एक्स का आपका 16 है और वाई आपका क्या है 13 है. विच वन फॉर्म केटायन एंड विच वन फॉर्म एनायन, राइट द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय एक्स एंड वाई. इट मीन्स ये जनरली आयनिक कंपाउंड का होगा आपका क्वेश्चन. तो हम देख लेते हैं कि 16 और 13 वाले कौन से होंगे. वैसे तो मुझे पता चल गया कि 16 सल्फर होता है, मैं ये बता दूँ ये सल्फर होता है, ये एल्यूमिनियम होता है. तो चलिए लिखते हैं 2 8 6, इसका हो गया 2 8 3, ठीक है, तो आपका हो गया 286 और 283. तब आपको इनका कंपाउंड बताना है, कुछ नहीं बताना आपको इनका, आप बताना एनायन कौन, भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इट विल फॉर्म एनायन, ठीक है. उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इट विल फॉर्म केटायन. तो ये आपको बता सकते हो. उसके बाद एनायन केटायन बनने के बाद कौन सा कंपाउंड बनता है, एनायन केटायन बनने के बाद कंपाउंड बनता है आपका कौन सा, कंपाउंड बनता है आपका आयनिक कंपाउंड, तो आपको ये बताना है. ओके, तो नेक्स्ट आप चलते हैं हम नेक्स्ट. विच आउट ऑफ एलिमेंट, अच्छा ये हो गया, ये उसके बाद ये एनोड मत छोड़ दीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो नो नीड टू डू दैट. ये उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन और. नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल गिवन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटल्स हैविंग अ शाइनी सरफेस. आपको प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देनी है, दैट इज विल गिव. तो शाइनी सरफेस का मतलब क्या होता है आपको पता है, शाइनी सरफेस का कौन सी प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन की थी, ठीक है. नेक्स्ट लस्ट्रस, नन मेटल्स कैन बी बिन इन टू बीटन इन टू थिन शीट, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी. मेटल्स कैन बी ड्रान इन टू थिन वायर, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है. आउट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, ऑन द अदर हैंड वाई इज नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, विच वन इज अ मेटल, ठीक है. तो एक्स एंड वाई में एक्स मेलिएबल है डक्टाइल है, वाई नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल है. तो एक्स मेटल है, वाई नॉन मेटल है, एक्स फॉर्म केटायन एंड वाई फॉर्म एनायन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल यूजिंग अ ड्राई सेल, अ टॉर्च, अ बल्ब विद होल्डर वायर एंड क्रोकोडाइल क्लिप्स. तो आपको कैसे, ये आपको एक्टिविटी बतानी है. मेटल के केस में आप जब इस सर्किट को बनाओगे, स्विच ऑन करोगे, तो बल्ब विल ग्लो बिकॉज मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से हमें पता चलता है दैट ये क्या है, मेटल है, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. उसके बाद गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैट हाइड्रोजन, सो इट विल नॉट एबल टू डिस्प्लेस एच प्लस आयन फ्रॉम एनी एसिड. नेक्स्ट, अ कॉपर प्लेट वॉज डिप्ड इन टू द सिल्वर, ये सेम क्वेश्चन हो गया कॉपर प्लेट की जगह, अभी हमने कॉपर कॉइन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सेम है. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, आफ्टर सम टाइम अ ब्लैक लेयर वॉज डिपॉजिट ऑन द कॉपर प्लेट. मैंने वहाँ ग्रे बोला था, तो ग्रे और ब्लैक वो भी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे, क्योंकि सिल्वर को जब एटमोसफेयर में, सिल्वर वैसे ग्रे कलर होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा इट्स कलर विल चेंजेस टू ग्रे, ठीक है. तो आपको पता है कॉपर, स्टेट द रीज़न फॉर इट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो ये आपको पता है आपको किस तरीके से करना है. नेक्स्ट हम आते हैं, वाई सोडियम क्लोराइड सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन कैरोसिन, ठीक है. तो आपको इसका रीज़न मैं बता दूँ, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बताई थी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सोल्यूबल इन पोलर कंपाउंड्स, वो किस में सोल्यूबल होते हैं, पोलर में. तो वाटर में इसलिए सॉल्युबल होता है बिकॉज वाटर इज अ पोलर सोल्यू, मतलब पोलर का मतलब वाटर के ऊपर भी सेम इस तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड पे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन कैरोसिन में ऐसे चार्ज नहीं होते, कैरोसिन ऑयल में कोई चार्ज नहीं होता इस तरीके का सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन. इट मीन्स अगर चार्ज सेपरेशन सोडियम क्लोराइड की तरह होता तो कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला. दैट्स व्हाई आप लिख सकते हैं वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो सोडियम क्लोराइड इज सोल्युबल इन इट.
बट कैरोसिन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट सॉल्युबल इन इट. ओके, तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. ए बी सी आर थ्री एलिमेंट विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस. ए बी सी थ्री एलिमेंट है विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो आपको इक्वेशंस दे रखी है, आपको बताता है विच एलिमेंट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. तो आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे और फिर बताओगे विच एलिमेंट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. उसके बाद आप बताओगे विच एलिमेंट इज़ लीस रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा लीस रिएक्टिव कौन है. उसके बाद बताओगे व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन लिस्टेड अबव. इन सारी रिएक्शंस का जो टाइप है वो क्या है. तो एक तो अगर आपको देख के लग रहा है तो मेरे को तो लग रहा है ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है वो आप इसकी रिएक्टिविटी को देखोगे कि ए ने बी को रिप्लेस किया, सी ने किसको रिप्लेस किया, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट विच वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड विच वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव. उसके बाद ये नाइन्थ क्वेश्चन है, अगेन वी हैव नो नीड टू डू दिस. उसके बाद है मेटल वाई रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. जो आपका मेटल वाई है दैट इज़ रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है, आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम. असाइन द रीज़न फॉर इट बाई आइडेंटिफाइंग वाई. गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. आपको इसका रीज़न असाइन करना है कि आपने वाई को कैसे आइडेंटिफाई किया. उसके बाद एक इक्वेशन लिखनी है एग्जाम्पल लेके. सो आई होप दैट यू विल एबल टू डू दैट. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन. अब हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे. तो इट्स योर विश कि आपको आपको आज जो करना है, पूरा जो नोटबुक में आपको करना है, दैट यू हैव टू डू ओनली द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ठीक है, आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जस्ट फॉर द डिस्कशन. आप इन्हें रफली इस तरीके से बुक आंसर्स देख कर लीजिएगा. बट शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट दीज क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, क्वेश्चन विद आंसर. ठीक है, बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस. तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, तो आई होप, मैंने MCQ सिर्फ मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज MCQs आपको अपने आप आ जाएंगे अगर आपको रीजनिंग आएगी. ठीक है, तो ऑलरेडी हम बहुत सारे कुछ MCQs इसमें डिस्कस भी कर चुके हैं. तो आई डोंट थिंक सो दैट देर इज़ दैट मच नीड. फिर भी हम और डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे. एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.